हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के एक चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी हम सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि गलती से हमने किसी गर्म बर्तन को छू लिया, ठीक है, और जैसे ही हमारे हाथ ने उस गर्म बर्तन को छुआ तो हमारा जो हाथ है वो एकदम से पीछे की तरफ मूव करता है, यानी कि उस गर्म बर्तन से जैसे हमने टच किया एकदम से दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जो हाथ है वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उस गर्म बर्तन के छूने से जो हमें नुकसान पहुंचने वाला है उससे बचा जा सके, और ये जो हाथ की मूवमेंट होगी इसमें किसी भी तरह की थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, ये अपने आप होगी, एकदम से एकदम तेजी के साथ होगी, बिना सोचे समझे होगी। तो ये जो अपने आप बिना सोचे समझे सडनली जो मूवमेंट हो रही है, जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शो कर रही है किसी स्टिमुलस को लेकर के, कौन से स्टिमुलस को लेकर के, जैसे कि उस गर्म बर्तन को हमने छुआ तो हमारी जो स्किन है वो एक हॉट ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आई, और जैसे ही उसके कॉन्टेक्ट में आई उसने सडनली मूव कर लिया। तो हॉट ऑब्जेक्ट इज अ टाइप ऑफ स्टिमुलस और सडन मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। तो जो सडन मूवमेंट हुई दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन इज ए सडन स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री मैकेनिकल रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एनी सडन चेंज इन सराउंडिंग, एक ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में सडनली कोई चेंज अगर आ जाता है तो वो जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सडनली अपने आप स्पॉन्टेनियसली बिना सोचे समझे विदाउट थिंकिंग को इन्वॉल्व किए एक मैकेनिकल रिस्पॉन्स शो करेगी। उस मैकेनिकल रिस्पॉन्स को हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि किसी भी तरह का अगर कोई सराउंडिंग में चेंज आ रहा है एंड पार्टिकुलरली इफ दैट चेंज इन सराउंडिंग इज हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म, देन रिफ्लेक्स एक्शन प्रोटेक्ट दैट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्म बाय द सडन चेंज इन सराउंडिंग और स्टिमुलस फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। और दूसरा काम, दूसरा बेनिफिट, एक तो बेनिफिट क्या हो गया, एक तो बेनिफिट हो गया कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ऑर्गेनिज्म को सडन चेंज या हार्मफुल चेंजेस जो आ रहे हैं सराउंडिंग में उनसे प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है, जो ऑर्गेनिज्म है वो यूं खड़ा खड़ा सोचेगा नहीं, हाँ यार हाथ अभी टच हो रहा है गर्म बर्तन को, अभी थोड़ी जलन सी महसूस हो रही है, ओहो दर्द हो रहा है तो उसको मैं पीछे हटाऊंगी, ऐसा अगर वो सोचने बैठ गया उस कंडीशन में तो क्या होगा, जो स्किन है वो बुरी तरीके से जल चुकी होगी, ठीक है। तो गर्म बर्तन को छूते ही हाथ एकदम से वापस क्यों आ जाता है? बिना सोचे समझे आप सोचोगे नहीं कि मैं हाँ हटाऊं या नहीं हटाऊंगा, बस वो एकदम से वापस आ जाता है, और वो उसका एकदम से वापस आ जाना इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये प्रोटेक्ट करता है बिना सोचे समझे, यानी कि ब्रेन का जो थिंकिंग प्रोसेस का बर्डन है उसको ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एक तो दो बेनिफिट हो गए इसके, क्या? एक, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हार्मफुल इफेक्ट जो या हार्मफुल चेंजेस जो आ रहे हैं सराउंडिंग में उनसे प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, रिफ्लेक्स एक्शन में कोई थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए जो ब्रेन का बर्डन है सोचने का, विचारने का, फिर रिस्पॉन्स शो करने का, वो काम नहीं। यहां पर सडनली रिस्पॉन्स शो हुआ, कोई सोचना विचारना नहीं, तो ब्रेन का जो बर्डन था रिफ्लेक्स एक्शन ने कम किया। दो बेनिफिट्स ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है,
इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर रिफ्लेक्स आर्क की, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ा, तो रिफ्लेक्स एक्शन में ये जो थिंकिंग प्रोसेस जैसा हमारी बॉडी में चलता है, क्या वैसा ही कुछ रिफ्लेक्स एक्शन में भी होता है कि हमारी बॉडी ने स्टिमुलस रिसीव किया, फिर उसको ब्रेन तक लेकर के गए और वहां पर इंटरप्रेट किया कि जो स्टिमुलस आया है वो क्या है, ठीक है। क्या इस तरह का सब कुछ रिफ्लेक्स एक्शन में भी इन्वॉल्व होगा? तो देखिए, जो पाथवे है स्टिमुलस को रिसीव करने का, रिस्पॉन्स को जनरेट करने का, वो सेम है, ठीक है। लेकिन यहां पर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो थिंकिंग प्रोसेस जितने नहीं होती है, ठीक है। यहां पर क्या इन्वॉल्वमेंट होगी वो देखिए, एक टर्म हम जनरली यूज करते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क इज एक्चुअली पाथवे फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन शो होने के लिए जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे वो देखिए, सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव करना, कौन रिसीव करता है स्टिमुलस को? सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, या आपकी त्वचा है, चमड़ी है, वो आपके पांच सेंसरी ऑर्गन्स हैं। और ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस में आप जिस तरह से स्टिमुलस को रिसीव करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप सेंसरी ऑर्गन्स का ही इस्तेमाल करते हुए स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। आपकी त्वचा ने गर्म बर्तन को छुआ तो आपकी त्वचा एक सेंसरी ऑर्गन है, गर्म बर्तन जो था वो एक स्टिमुलस था, उसको रिसीव किया किसने? सेंसरी ऑर्गन ने। अभी जो सेंसरी ऑर्गन है ये उस स्टिमुलस को लेकर के जाएगा कहां? टू अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। किसके पास लेकर के जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट के पास लेकर के जाएगा। और जिस पाथवे, जिस रूट को वो फॉलो करेगा, दैट रूट इज एक्चुअली सेंसरी नर्व, ठीक है। सेंसरी नर्व की हेल्प से ये स्टिमुलस सेंसरी ऑर्गन पर रिसीव होने के बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगा। किसकी हेल्प से? सेंसरी नर्व की हेल्प से। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी पार्ट को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो ही पार्ट होते हैं, आइदर ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है। तो ये जो स्टिमुलस आ रहा है सेंसरी नर्व के थ्रू, या तो ब्रेन के पास आएगा या स्पाइनल कोड के पास आएगा, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होगी, और रिस्पॉन्स शो करने के लिए इफेक्टर ऑर्गन तक वो स्टिमुलस आगे भेजी जाएगी थ्रू मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो वो जो पाथवे है वो ऑलमोस्ट सेम है किसी भी तरह से स्टिमुलस को रिसीव करने और रिस्पॉन्स जनरेट करने में सिमिलर पाथवे यूज होता है। लेकिन यहां पर ये जो कहने का तात्पर्य है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की यहां इन्वॉल्वमेंट है उसमें इंटरप्रेट करना किसी भी चीज को या थिंकिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करना इसमें रखा नहीं जाता। सडनली जस्ट यहां से यहां रिसीव हुआ और यहां से तुरंत आगे गया, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हो। और चूंकि ये सडनली हो रहा है तो रिफ्लेक्स एक्शन। और इस पूरे पाथ को जिसमें सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी नर्व स्टिमुलस को लेकर के पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगी, जो कि या तो ब्रेन होगा या स्पाइनल कोड होगा, और यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर उसी स्टिमुलस को तुरंत इफेक्टर ऑर्गन तक भेजेगा। किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व के थ्रू। इस पूरे पाथवे को फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू इफेक्टर ऑर्गन, इसको आप क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इस पूरे पाथवे को हम नाम देते हैं, इस पूरे रूट को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है।
अब देखिए यहां पे हमने क्या पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई पार्ट इन्वॉल्व होगा। पार्ट कितने हैं? दो ही पार्ट हैं, एक ब्रेन दूसरा स्पाइनल कोर्ड। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ब्रेन से कनेक्टेड है, ब्रेन से रिलेट करता है या वो स्पाइनल कोर्ड से रिलेट करता है, इसके बेसिस पर रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह के बताए जाते हैं। अगर ब्रेन से कंडक्ट किया जा रहा है तो उसको आप बोलेंगे सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। क्या नाम देंगे? सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। और अगर स्पाइनल कोर्ड ही करता धरता है, भाई स्पाइनल कोर्ड ने ही खुद तक आया मैसेज, भेजना तो चाहिए था उसको ब्रेन के पास, लेकिन ब्रेन के पास भेजने के बाद उसने वेट नहीं किया कि ब्रेन देवता जो है वो सोचे विचारे फिर रिस्पॉन्स भेजे, तब तक उतना वेट नहीं किया स्पाइनल कोर्ड ने, उसने क्या किया तुरंत एक तरफ ब्रेन को भेजा, दूसरी तरफ भेज दिया मोटर नर्व के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन को। और इस तरह का अगर कोई रिफ्लेक्स एक्शन है तो उसको आप क्या नाम देंगे? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बोल दीजिए या रिफ्लेक्स एक्शन बोल दीजिए। तो दो तरह के रिफ्लेक्स एक्शन, एक सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये देखने को मिलते हैं हमें। फायदा रिफ्लेक्स एक्शन का मैंने आपको पहले बताया, रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह से हमारी हेल्प करेगा। किस तरीके से? पहला, ये हमें अनवांटेड या हार्मफुल जो चेंजेस आते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, ये ब्रेन के वर्कलोड को, ब्रेन के वर्क बर्डन को रिड्यूस करने का काम करता है, क्योंकि इट डजंट इन्वॉल्व एनी इंटरप्रिटेशन, डाटा एसोसिएशन या थिंकिंग प्रोसेसेस के अंदर पूरे कहीं इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन हमारे लिए दो तरीके से फायदेमंद है। ठीक है, इसके बाद एक और कैटेगराइजेशन है। रिफ्लेक्स एक्शन को हम कैटेगराइज करते हैं दो अलग अलग टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हम सीख रहे हैं, सीख के कर रहे हैं, या वो बाय बर्थ है, यानी कि इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन शो करने की कैपेबिलिटी है हमारे अंदर, या हमने उसके रिफ्लेक्स एक्शन को शो करने के लिए ट्रेनिंग ली है, अपने आप को ट्रेन किया है, एक्वायर किया है उसको। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज अनकंडीशनड, रिफ्लेक्स एक्शन, और दूसरा है कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, दो तरह के ये रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलते हैं, एक अनकंडीशन एक कंडीशनड। ठीक है, अनकंडीशन में क्या है? रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट या शोन without any previous encounter of stimulus। ठीक है, unconditioned reflex action में क्या है? previously आप dependent नहीं है, आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है कि आप स्टिमुलस को फेस करेंगे पहले तब आपकी बॉडी को आएगा, या तब आपकी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन शो कैसे किया जाएगा वो समझा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन बाय बर्थ शो होता है। ठीक है, इनबॉर्न कैपेबिलिटी है ये इंडिविजुअल की, जन्म से ही उसे पता है कि निगला कैसे जाएगा। मैमल्स के अंदर जो बच्चे हैं पैदा होते ही दूध पीने के लिए भागते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भागते हैं। ठीक है, दैट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिनके पास आंखें हैं, पलके हैं, उनको ब्लिंक करना ट्रेन नहीं किया जाता है, बाय बर्थ इनबॉर्न उनके अंदर ये कैपेबिलिटी जो है वो प्रेजेंट है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। आप जा रहे हैं सड़क पर, सडनली सामने से बाइक के ऊपर जा रहे हैं, एकदम से तेज आंधी आ रही है, उसमें कोई छोटा सा तिनका उड़कर आपके हवा के पास
हवा की हेल्प से सीधे आपकी आंख की तरफ आ रहा है, जैसे ही वो आपके पास पहुंचेगा आपकी आईज जो है तुरंत बंद कर जाएंगे, एकदम से ब्लिंक करेंगे। आपको किसी ने ट्रेन नहीं किया उसके लिए, बाय बर्थ इनबॉर्न आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि जैसे ही आपके आंख के पास कुछ आएगा आपकी आंखें तुरंत बंद कर जाएंगे। दैट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, एक्वायर नहीं किए गए हैं, दे आर प्रेजेंट बाय बर्थ, ठीक है। जबकि दूसरा क्या है, दूसरा है कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, आप एक पार्टिकुलर कंडीशनल स्टिमुलस को लेकर के खुद को ट्रेन करते हो या आपको सिखाया जाता है। जैसे आग गर्म बर्तन का, एक बार आपने फेस कर लिया, दोबारा आप गर्म बर्तन को छूने की गलती नहीं करेंगे, ठीक है। या किसी मीटिंग हॉल में, किसी सेमिनार रूम में बैठे हैं, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा वो बोल क्या रहा, इवन आप सुन ही नहीं रहे, बस बैठे हैं यहां पर, दिमाग कहीं घूम रहा हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी इंडिविजुअल की, जो कि सेमिनार को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो बोल रहा था वहां पर, जैसे ही उसकी वो स्पीच है या जो भी वो बोल रहा था, वो जैसे ही बोलना बंद करता है यानी कि खत्म हो गया, तुरंत आप तालियां तालियां बजाना शुरू कर देते, दैट इज एक्चुअली कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। आपने क्या देखा, उसकी स्पीच खत्म हुई, वो आपके लिए स्टिमुलस हो गया और आपका रिस्पॉन्स क्या हुआ, सडनली समझ में आया हो नहीं आया हो, तालियां एकदम से, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा बोला, कुछ नहीं सुनाई दिया लेकिन अच्छा बोला, दैट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। कंडीशन फेस किया आपने, ठीक है, बाय बर्थ आपको नहीं पता था कि ऐसा करना, आपको सिखाया जाता है कि अगर कोई इंडिविजुअल स्पीच दे रहा है तो जैसे ही वो अपनी स्पीच पूरी करता है उसके एंड में आपको तालियां बजानी है, ठीक है। या छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ही स्कूल की बेल ऑफ टाइम के लिए बजी, तुरंत से उनका जो उतरा हुआ चेहरा होगा वो एकदम से खिल जाएगा या तुरंत से वो अपना बैग बंद कर लेंगे, दैट इज एक्चुअली कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। आपके स्कूल के अंदर जैसे ही बेल बजी, टीचर जो है वो अपना बुक उठा करके बाहर, और आप जो है वो जो बुक खोली हुई थी आपने, वो तुरंत बैग के अंदर और दूसरी बुक निकाल लेंगे। आपको सोचना नहीं पड़ रहा है कि अब ये जो टीचर जा रहा है ये कितनी देर में जाएंगे, या दूसरा जो टीचर आएगा वो कौन से सब्जेक्ट का आएगा, कितनी देर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा आपने, ठीक है। लेकिन क्या किया, जैसे ही बेल हुई आपने बुक बंद की बैग के अंदर, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट की बुक जिसका कि अब लेक्चर है वो बुक निकाल लेते हैं, दैट इज एक्चुअली क्या, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज इस टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा उसको समझिएगा, और हाँ इसके अंदर एक साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इवान पावलोव, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में, और इनके एक्सपेरिमेंट कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, साइकोलॉजिस्ट थे ये, और अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद इनके जो ऑब्जर्वेशंस थी, रिजल्ट्स था, उसके बेसिस पर इन्होंने कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन के वर्किंग को समझा, और इसीलिए इवान पावलोव को फादर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस भी कहा जाता है। लेकिन वो पढ़ेंगे हम, या इनके कार्य के बारे में हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इन टॉपिक्स को रीड कीजिए, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको सॉल्व करने की, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।